नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं ये बीपीएससी का ऑफिशियल वेबसाइट है। देखिए दोस्तों, जैसा कि आप लोग भी बिहार शिक्षक भर्ती 2023 का फॉर्म भरे हैं तो आप लोग इस चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन पर भी बटन दबा दीजिए ताकि मैं इस एग्जाम के रिगार्डिंग कोई भी वीडियो डालूं, कोई भी न्यूज अपडेट डालूं तो सबसे पहले आप लोगों को मालूम हो सके। मैं आप लोग को एक बात और बताना चाहता हूँ, यदि अगर आप लोग बिहार शिक्षक भर्ती का तैयारी करना चाहते हैं तो उससे रिलेटेड बहुत ही आपको इंपॉर्टेंट कॉन्टेंट टॉपिक सब कुछ मैं इस चैनल पर मैं आप लोगों के लिए प्रोवाइड कराऊंगा बिल्कुल फ्री। पीडीएफ नोट सब कुछ आपको मिलेगा, आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए दोस्तों, अब हम लोग बात करते हैं मेन मुद्दा पर में। इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और उसके बाद अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक कीजिएगा, नहीं तो डिसलाइक कीजिएगा। देखिए दोस्तों, सरकार जो है आप लोगों के साथ खिलवाड़ कर रही है, रोज एक दिन नया नोटिस जारी कर देती है, डेली एक नया नोटिस आप लोगों के लिए जारी कर देती है, जिसके लिए क्या होता है कि स्टूडेंट को काफी ज्यादा परेशानी हो रहा है। बहुत सारा ऐसा नियम है जो कि नहीं होना चाहिए था, लेकिन सबसे बड़ा दिक्कत सरकार का नहीं आप लोगों का है, क्योंकि आप लोग जो है सो आप लोगों में एकता नहीं है। आप बताइए कि पहले नियम था, क्योंकि जो नियम है बीपीएससी शिक्षक भर्ती में बैठने के लिए आपको नियम है कि सीटेट क्वालिफाइड होना चाहिए, सीटेट आप पास रहेंगे तभी आप बीपीएससी का फॉर्म टीचर वाला भर सकते हैं। लेकिन कुछ स्टूडेंट अपने फायदा के लिए विरोध किए, वो उनका अपना व्यक्तिगत सोच था, उनका यह मानना था कि मैं सही हूं, तो वैसे स्टूडेंट को भी जोड़ दिया गया जो कि सीटेट पास नहीं है, जो कि उसमें आपको एपियर होने वाले हैं, तो वैसे कैंडिडेट को भी जोड़ दिया गया। इसको लेकर के भी छात्रों में काफी ज्यादा आपको मतभेद हो गया। छात्र का एक तबका कह रहा था कि नहीं ये गलत है, जो सीटेट पास कर चुका है उसी को फॉर्म भरना चाहिए। वहीं एक तबका कह रहा था कि नहीं, जुलाई में जो अभी आपका सीटेट का वैकेंसी निकला है उसमें जो फॉर्म सिर्फ फिल किए हैं, जो फॉर्म अप्लाई किए हैं उसको भी मौका देना चाहिए था। यहाँ पर मैं आप लोगों में काफी ज्यादा जो है सो मतभेद है। दूसरा पॉइंट है, बहुत सारे जो स्टूडेंट हैं जो ऑलरेडी पहले से ही शिक्षक हैं वो भी आपको बीपीएससी का फॉर्म भर रहे हैं, तो ऐसे में भी आपको दो तबका बटा हुआ है। जो आपको पुराने टीचर हैं उनका कहना है कि नहीं मुझे भी बीपीएससी में मौका मिलना चाहिए, मुझे क्यों नहीं मिलेगा, मैं भी क्योंकि मान लीजिए कोई अगर ग्रुप डी के पोस्ट पर में है तो उसको कोई रोक तो नहीं सकता है कि आप ऊंचे वाले पोस्ट पर चल जाइए। बीपीएससी से निकालने के बाद उनका सैलरी 10 से 15 हजार इंक्रीज करेगा, तो इस मुद्दा को लेकर भी छात्रों में दो मत हैं। वहीं पर मैं डोमिसाइल सर्टिफिकेट को लेकर भी सेम चीज हुआ है, यहाँ पर भी छात्रों में दो मत हैं। यहाँ पर मैं मैक्सिमम लोगों का कहना है कि डोमिसाइल सर्टिफिकेट जरूरी होना चाहिए, बिहार से बाहरी राज्य को बिहार में फॉर्म भरने का कोई भी अधिकार नहीं है। वहीं पर कुछ स्टूडेंट का यह भी कहना है कि जैसे बिहार के स्टूडेंट यूपी जा करके, राजस्थान जा करके, हरियाणा जा करके फॉर्म भरते हैं, जॉब लेते हैं, ठीक उसी प्रकार से उनका भी हक है कि वो बिहार में आके जॉब ले सके। तो ये तमाम मुद्दा पर में जो है पहले आप लोग तो एक होइए, जब तक आप लोग में एकता नहीं आएगा तब तक सरकार के खिलाफ आप लोग कैसे लड़िएगा, आंदोलन कोई भी सक्सेस नहीं हो पाता है। हर छात्र का अपना अपना मुद्दा है और सब अपना अपना फायदा देख रहा है, बस इसी का फायदा सरकार उठा रही है। वो किसको खुश करेगी, एक तबका को खुश करेगी तो दूसरा नाराज हो जाएगा, तो सबसे बड़ा दिक्कत आप लोगों के साथ है। अगर आप लोग एकजुट नहीं होइएगा तो मान लीजिए कि आप लोग का ये बहाली 5 साल के अंदर 100% आपको नहीं होने वाला है, 5 साल के बाद ही आप लोगों का बहाली होगा। देखिए दोस्तों, मेरा अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, नहीं अच्छा लगा तो डिसलाइक कीजिए। हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।